इंडी अलायंस चाय पानी पार्टी बनकर रह गई है। 6 महीने बीतने पर भी ना तो देश को एजेंडा बता पा रहे हैं ना ही नेता। अब जो लोग 6 महीने में गठबंधन का संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं तो यह प्रधानमंत्री कैसे तय करेंगे। इसलिए देश गारंटीड माल छोड़कर चाइनीज पर काहे को भरोसा करेगा। बहरूपियों की जमात है ये। पहले जनता की देश के प्रति भावनाओं को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंडी गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडिया। अब जनता कांग्रेस पार्टी के लिए मांग रहे हैं और कह रहे हैं देश के लिए दान। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे अशोक होटल में विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर एक राय बनाने की कोशिश विपक्ष के नेता करेंगे। विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उम्मीद जताई कि विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव को जीतेगा। वहीं लोकसभा और राज्यसभा से अपने 92 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी गठबंधन ने तय किया है कि उसके सांसद अब संसद के बाकी बचे सत्र में भी नहीं जाएंगे। हंगामा करने के कारण लोकसभा से 46 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में हैं और निलंबित किए जा चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के पास 133 और राज्यसभा में 95 सांसद है। विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे के अहम मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश तो होगी, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ताजा बयान से पैंच फंस सकता है। केजरीवाल ने बीते दिनों कहा था कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए। वहीं सीटों के बंटवारे पर यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मानेंगी या नहीं, यह भी देखना बाकी है। ममता बनर्जी ने सोमवार को ही मीडिया से कहा था कि उनके राज्य पश्चिमी बंगाल में तो कांग्रेस सिर्फ 2 ही लोकसभा सीटें जीत सकी थी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ममता बनर्जी और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। इससे पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है। पहली बैठक पटना में हुई थी, फिर बेंगलुरु और मुंबई में बैठक हुई। इन बैठकों में सीट बंटवारे को लेकर कोई आम राय नहीं बन सकी थी। तीनों बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम या गठबंधन के झंडे और लोगों पर भी फैसला नहीं हो सका था। इस बार की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा मिजोरम के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना जीत सकी है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस को कम सीटों का प्रस्ताव देकर झटका भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार की हार से कांग्रेस मोल तोल करने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर। जय हिंद, जय भारत।